नमस्कार। अभी मैंने कुछ समय पहले आपके लिए वीडियो बनाई थी जिसमें कि आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के द्वारा हमारी जन आंदोलन पोषण माह की डाटा एंट्री कर पाए। तो अभी कुछ वर्कर्स हमारी और सुपरवाइजर्स तो मोबाइल के साथ डाटा एंट्री कर रहे हैं, तो उनके लिए बता दूं कि आपने मोबाइल में क्रोम ब्राउजर के साथ कैसे आपको डाटा एंट्री करनी है। सबसे पहले हम गूगल में सर्च करेंगे पोषण अभियान। पोषण अभियान सर्च करने के बाद हम वेबसाइट ओपन करते हैं poshanabhiyan.gov.in। इसमें कुछ समय लग रहा है क्योंकि हैवी साइट है, मोबाइल में थोड़ा सा समय लगता है। तो जैसे ही आपकी साइट ओपन होगी तो हमें क्रोम के राइट साइड में जो थ्री डॉट्स है उन पे क्लिक करके डेस्कटॉप वेबसाइट कर देना है। तो उसके बाद हमारी ये वेबसाइट कंप्यूटर की तरह ही दिखाई देने लगेगी, हमारे पास सभी कॉलम्स आ जाएंगे। तो हमने सबसे ऊपर हमारा जो कॉलम दिखाई दे रहा है हमें, हम ऊपर देखेंगे डाटा एंट्री, डाटा एंट्री पे क्लिक कर देंगे तो हमारा लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा जहां पे हम अपने आईडी पासवर्ड डालेंगे। आपको आईडी पासवर्ड आपके ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स के द्वारा प्रोवाइड कर दिए गए होंगे, तो इसमें आप आपके आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन कीजिए। आईडी पासवर्ड डालेंगे तो हमारे पास ये लिंक ओपन हो जाएगा। तो उसके बाद हमने ज्यादा कुछ नहीं करना है, इसको स्क्रॉल करके एक्टिविटी से शुरू कर देना है। सबसे पहले हम एक्टिविटी डालेंगे कि हमने कौन सी एक्टिविटी की है। इसमें हमारी सभी एक्टिविटीज हैं, जैसे आज हमने प्रभात फेरी की है तो हम यहाँ पे प्रभात फेरी सिलेक्ट करेंगे। उससे आगे हम लेवल पे जाएंगे। लेवल पे हमारे पास दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक ब्लॉक का है और एक विलेज या एडब्ल्यूसी लेवल का है। अगर वर्कर एंट्री कर रहे हैं तो वो विलेज लेवल या एडब्ल्यूसी लेवल सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद अगले कॉलम पे जाएंगे ग्रुप। ग्रुप में अभी आपने कुछ नहीं करना है। उसके बाद हम नीचे आएंगे थीम। हमारा थीम किस किस चीज के बेस ऊपर था, एनीमिया पे था, ब्रेस्ट फीडिंग पे था, कंप्लीमेंट्री फीडिंग पे था, जो जो आपने थीम है जिस जिसके ऊपर आपने एक्टिविटी की है वो आपने इसमें सिलेक्ट कर देंगे, जैसे इम्यूनाइजेशन पे था। तो उसके बाद हम जाएंगे ऑर्गेनाइजर। ऑर्गेनाइजर में हम देखेंगे कि उसको ऑर्गेनाइज करने वाला कौन था। उसमें देखेंगे कि हमारे साथ एएनएम थी, आंगनबाड़ी वर्कर्स थी, हमारे पास डिफेंस से थे, हमारे पास फार्मर क्लब से थे, एनसीसी एनएसएस जो भी थे। तो जो भी हमारे पास थे तो हम उनको सिलेक्ट कर देंगे। जैसे आज सुबह मान लीजिए हमारे पास हमारे कार्यक्रम में भाग लिया लेडी सुपरवाइजर्स और आंगनबाड़ी वर्कर्स ने, हम इन दो को सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद आगे चलेंगे। डेट में आप उस दिन की डेट डालोगे जिस दिन आपने एक्टिविटी की है। उसके बाद आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स। तो यहाँ पे हम नंबर डालेंगे कि हमारे यहाँ कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया। जैसे हम सपोज करते हैं कि हमारे पास 30 लोगों ने पार्टिसिपेट किया तो हम यहाँ पे 30 डाल देते हैं। उसके बाद हमने अलग अलग डालने होते हैं कि कितने अडल्ट मेल लोगों ने पार्टिसिपेट किया, कितनी फीमेल ने पार्टिसिपेट किया और हमारे पास बच्चे मेल फीमेल में कितने थे। तो हम डाल देते हैं जैसे हमारे पास 10 मेल कैंडिडेट थी, 5 फीमेल अडल्ट। और अगर हम चाइल्ड का डालने लगे हैं तो चाइल्ड में हम देख लेंगे कि जैसे शुरू में मेल में मान लो हमारे पास 5 थे और हमारे पास फीमेल 10 थी। तो इस तरह से हमारा टोटल डेटा 30 हो जाएंगे अडल्ट और चाइल्ड मिला के, मेल फीमेल टोटल मिला के। उसके बाद ऑप्शन आता है हमारा अपलोड ए पिक्चर। तो हमने उस एक्टिविटी की कोई अच्छी सी पिक्चर अपलोड करनी है तो अपलोड ए पिक्चर में क्लिक करोगे तो आपका गैलरी ओपन हो जाएगा। तो उसमें से आप एक पिक्चर सिलेक्ट करोगे, कोई भी आपको लगता है कि जो आपके लिए अच्छी है। मान लीजिए मैं ये पिक्चर सिलेक्ट करके डन कर लेता हूं। तो पिक्चर हमारी 2 MB से कम की होनी चाहिए, ये आपको थोड़ा खास ध्यान रखना पड़ेगा। कोई भी हम पिक्चर अपलोड करेंगे तो मान लीजिए मैं कोई भी पिक्चर अपलोड कर लेता हूं, मान लीजिए पिक्चर है कोई भी है उदाहरण के लिए, तो ये अपलोड करेंगे। उसके नीचे डिस्क्रिप्शन आएगा, डिस्क्रिप्शन में आपने लिखना है कि वो आपने एक्टिविटी किस एरिया में की है, वहां के लोगों की इसके बारे में क्या राय है, उनका पार्टिसिपेशन कैसा रहा। तो आपने लोकेशन को मैंडेटरी मेंशन करनी है यहाँ पे। उसके बाद हम सबमिट कर देंगे तो हमारा ये एंट्री सबमिट हो जाएगी। तो मैं सभी को सलाह दूंगा कि एक आंगनबाड़ी वर्कर्स के लेवल पे कम से कम हर रोज की एक्टिविटी की 3 एंट्रियां हो, जिससे हम हमारा टारगेट अचीव कर पाए। अगर फिर भी किसी वर्कर को या किसी भी लाइन डिपार्टमेंट को प्रॉब्लम आती है तो संपर्क कर सकता है कि एंट्री में, क्योंकि सुबह हम देखेंगे तो डैशबोर्ड हमारा नॉर्मली चलता है, शाम तक हमारा इंटरनेट भी वैसे प्रॉब्लम आ जाती है। तो
तो कोशिश करें जितनी जल्द हो सके हम दिन में एंट्रीज कंप्लीट कर दें। अभी भी हमारा पोर्टल फंक्शनल कर रहा है अच्छे से, तो आप जल्द से जल्द आपकी एंट्री सबमिट कर दीजिए। आपने हर रोज उसकी एंट्री सबमिट करनी है। यह चैनल मैंने आपके लिए बनाया है ताकि मैं आपको जानकारी दे पाऊं डे टू डे एक्टिविटीज की, और भी मैं आपको जानकारी दूंगा इसमें, जैसे कि आपने कैश में किस तरह एंट्री करनी है। कैश में भी हमारे पास काफी सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो कैश के बारे में मैं बताऊंगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको मैं टाइमली इंफॉर्मेशन दे पाऊं और आप अच्छे से काम कर पाए और हम हमारे पोषण अभियान को कामयाब कर पाए। धन्यवाद।